जम्मू कश्मीर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उधमपुर म्यूनसिपल काउंसिल के ऊपर लगभग 1.39 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी। पेनल्टी इसलिए लगाई थी क्योंकि उधमपुर म्यूनसिपल काउंसिल ने जो वेस्ट डिस्पोजल मेथड इस्तेमाल किया था, जिस तरीके से वो जो गंदगी है उसे डिस्पोज कर रहे थे, वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीका नहीं था। इसीलिए 1.39 करोड़ रुपए एनवायरमेंटल कंपनसेशन जम्मू कश्मीर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उधमपुर म्यूनसिपल काउंसिल के ऊपर लगाई थी। लेकिन वो पेनल्टी लगाने के बाद भी ये देखा गया कि महीनों बीत गए, उधमपुर म्यूनसिपल काउंसिल ने एक पैसा भी पे नहीं किया। पैसा पे करने की जगह और अपने जिस तरीके से वो वेस्ट डिस्पोजल कर रहे थे उस तरीके को बदलने की जगह उधमपुर म्यूनसिपल काउंसिल ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ पर उन्होंने अपील की और ये कहा कि ये कंपनसेशन जो है या तो कम की जाए या माफ़ की जाए। मैं आपको बता दूं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का फैसला आ चुका है और फैसला जो है वो जम्मू कश्मीर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हक में है। उन्होंने कहा है कि उधमपुर म्यूनसिपल काउंसिल को 1.39 करोड़ रुपए पे करने ही पड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि पूरी इस प्रोसीडिंग्स में क्या कुछ हुआ। सबसे पहले कहा गया कि जिस तरीके से सीवेज जो है वो नदियों में बहाया जा रहा है, जिस तरीके से वेस्ट डिस्पोजल जो है वो इस तरीके से किया जा रहा है जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, इस सभी को ध्यान में रखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि कोई भी रिलीफ उधमपुर म्यूनसिपल काउंसिल को नहीं मिलेगा। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से अपील फाइल की गई, अपील फाइल करने की जो डेट होती है यानी कि जो टाइम पीरियड फिक्स किया गया है वो फिक्स किया गया है 30 दिनों तक, और 30 दिनों के बाद भी उसे एक्सटेंड किया जा सकता है 60 दिनों तक। लेकिन जब जम्मू कश्मीर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ऑर्डर इशू किया था या जब सवाल पूछना शुरू किया था उधमपुर म्यूनसिपल काउंसिल के कामकाज के ऊपर, तब से लेकर अभी तक जब उन्होंने अपील फाइल की 90 दिन गुजर चुके थे, तो वो जो टाइम पीरियड है अपील का वो गुजर जाने के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा कि हम इसे अपील के तौर पर भी कंसिडर नहीं कर सकते। और साथ ही में उन्होंने ये कहा कि ट्रिब्यूनल के ऊपर इसीलिए लोग रिलाई करते हैं ताकि ट्रिब्यूनल एनवायरनमेंट का ख्याल रखेगी, वो रिलीफ आपको तभी देगी जब आपने सही काम किया हो, आपने सभी नॉर्म्स को फॉलो किया हो। अगर आपने खुद वायलेशन की है तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोई भी किसी भी तरीके का रिलीफ जो है आपको नहीं देगा। तो उन्होंने जम्मू कश्मीर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि फैसला बिल्कुल सही है, और साथ ही में आपको मालूम होगा कि हमने पहले भी आपको ये बताया था कि केवल अब उधमपुर म्यूनसिपल काउंसिल को 1.39 करोड़ रुपए नहीं देने हैं, बल्कि जितनी देर उन्होंने ये पेमेंट डिले की, जितनी देर उन्होंने ऑर्डर का जवाब देने से मना कर दिया या पेमेंट करने से मना कर दिया, एक भी पैसा जम्मू कश्मीर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नहीं दिया, तो अब उन्हें 12% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा उस समय के लिए जिस समय तक उन्होंने ये पेमेंट नहीं की है। तो जम्मू कश्मीर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने डिप्टी कमिश्नर उधमपुर जो है उनसे ये कहा है कि एक तो जो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट है 1.39 करोड़ का जो एनवायरमेंटल कंपनसेशन है, उसके अलावा जो इंटरेस्ट इकट्ठा हो चुका है एरियर्स पे वो भी अब वो उधमपुर म्यूनसिपल काउंसिल से वसूल करें। तो इसके अलावा ये कहा गया है कि इस समय में भी उधमपुर म्यूनसिपल काउंसिल ने अपना तरीका जो है वेस्ट डिस्पोजल का उसे पूरी तरीके से नहीं बदला है, और साथ ही में सबसे बड़ी गलती ये है कि उधमपुर म्यूनसिपल काउंसिल को जहां ध्यान ये देना चाहिए था कि वो इस समय कम से कम जो अपने वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स हैं उन्हें बदलते, एनवायरनमेंट का ख्याल रखना शुरू करते, वो सब करने की जगह वो सीधा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दरवाजे को खटखटाने चले गए और वहां से उन्हें मिला कुछ भी नहीं। तो अब उधमपुर म्यूनसिपल काउंसिल को 1.39 करोड़ रुपए तो पे करने ही पड़ेंगे, साथ ही में 12% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इससे सीख लेनी चाहिए बाकी भी जितने अर्बन लोकल बॉडीज हैं उन्हें, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में जो है इस बात को नॉन सीरियसली नहीं लिया जाएगा। जहां तक बात है जम्मू कश्मीर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, कई सारे हॉस्पिटल्स ऐसे फंक्शन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, कई सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, होटल्स की बात करूं मैं, अलग अलग जगहें हैं जहां पर वेस्ट डिस्पोजल के प्रॉपर मेथड्स अडॉप्ट नहीं किए गए हैं, यानी कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि जो बायो मेडिकल वेस्ट है उन हॉस्पिटल्स में वो किस तरीके से डिस्पोज ऑफ हो रहा है, या कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिनके वहां पर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, या फिर कुछ ऐसे होटल्स हैं जहां पर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। तो उन सभी चीज़ों का नोटिस जम्मू कश्मीर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ले रही है, उन्होंने लगातार नोटिस भी
भी इशू किए इन सभी जगहों पर। लेकिन कई केसेस में ऐसे जम्मू कश्मीर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों ने भी कहा कि कुछ लोग जो हैं इस बात को सीरियसली नहीं लेते। इससे सीरियसली मनवाने के लिए ही एक एग्जाम्पल सेट की गई है उधमपुर म्यूनसिपल काउंसिल की, कि जहां एक अर्बन लोकल बॉडी को जो गवर्नमेंटल बॉडी ही है उसे भी 1.39 करोड़ रुपए पेनल्टी और साथ में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्योंकि वो एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रख रहे। इसे सीख लेना होगा उन सभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी, उन सभी अस्पतालों को भी जो इस समय तो नॉन सीरियसली ले रहे हैं उन नोटिसेस को, लेकिन बाद में जब क्लोजर ऑर्डर्स आएंगे या फिर बाद में जब एनवायरमेंटल पेनल्टी भरनी पड़ेगी तो वो भी सोचेंगे कि अब हम किस कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। तो पल्लवी सरीन, स्ट्रेट लाइन न्यूज, जम्मू।